हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सनराइज पैलेट से आई मेकअप करके दिखाने वाली हूँ, जो कि सबकी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उसी का डेमो दो। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि इस पैकेजिंग में आती है ये, और इसके ऊपर एक पैकेजिंग होती है ट्रांसपेरेंट, जो मैंने निकाल ली थी। इसके बाद आपको इस ब्लैक उसमें मिलेगा। बहुत ही सेफ तरीके से इन्होंने पैकेजिंग की है कि ताकि आपका बाहर से प्रोडक्ट आते हैं तो कोई डैमेज ना हो। और इसके अंदर आपको मिलेगी बिल्कुल सेम पैकेजिंग जो हमने बाहर से ये वाला निकाला है। और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी, ये बिल्कुल हुडा ब्यूटी की न्यूड पैलेट सेम है। और ये मैंने परचेज किया था $22 का। ब्रशेज इसके साथ, ये वाले ब्रशेज इसके साथ फ्री थे, तो मैंने ये, मेरे को और भी कम उसकी पड़ी, मतलब मुझे ये 900 वगैरह, मतलब इसी के आसपास पड़ी। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसमें 16 शेड है। इसके अंदर एक ऊपर से प्लास्टिक दिया हुआ है आपकी कलर सेव करने के लिए, कि ताकि आपका प्रोडक्ट जो भी है वो सेफ रहे। और एक इसमें कंसीलर दिया हुआ है, उसके ऊपर भी एक सेफ प्लास्टिक लगाया हुआ है। ये सबसे अच्छा लगा मुझे, इसमें आपको कंसीलर भी मिल रहा है। और ये बहुत ही, इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि इसमें वो मिरर दिया हुआ है। बहुत सी पैलेट में नहीं दिया होता। अगर आप इस पैलेट से मेकअप कर रहे हैं तो आप ईज़ली इसी से ही कर सकते हैं, दूसरा मिरर लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं इससे आपको मेकअप करके दिखाती हूँ कि कैसे क्रिएट करूँगी मैं मेकअप, आप देखेंगे। और मैं इसमें से करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ लेंस की। जो मैं लेंस लगा रही हूँ, TTD आईज के हैं, बहुत ही कंफर्टेबल है। और ये है, इसमें पैकेजिंग ये वाली दी जाएगी आपको, और मुझे ये बहुत ही अच्छे लगे थे। इस पैकेजिंग में आएगा, और इसके साथ आपको ये डिब्बी, जो कंटेनर होता है वो मिलेगा इसके साथ ये, और आपके प्लकर मिलेगा जो आपने निकालने होते हैं लाइंस, तो ईजली निकल जाएंगे। और ये लगाने के लिए, जो मैं अभी लगा के दिखाती हूँ आपको, आपको इधर सारी चीज़ें मेंशन की गई है, आपको एक्सपायरी डेट भी मेंशन की गई है। और ये इस पैकेजिंग में अंदर होगा, और ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये है इसका कलर, पिंक पर्पल, फैरी पिंक पर्पल इसका नाम है, जो कि मैं अभी लगा के दिखाऊंगी आपको। मैं इसको निकाल रही हूँ। सबसे पहले मैं ये वाला कंसीलर जो है वो यूज़ कर रही हूँ अपनी आईज पे, और इसकी क्लियर निकाल दूँगी, ये निकल जाएगा। कंसीलर ब्रश यूज़ कर रही हूँ फोकल लियोर का। पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है इन आई शेड की, और ये कंसीलर भी बहुत अच्छा है। पाउडर से सेट करने हैं जब भी आई शेडो हम अप्लाई करेंगे कोई भी। रेवोल्यूशन का मैं बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ताकि यहाँ पे डस्ट जो भी आएगी वो इसको हम झाड़ दें। सबसे पहले मैं ये वाला कलर यूज़ कर रही हूँ, ब्रश मैं फोकल लियोर का ही ले रही हूँ। पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है।
सेम ब्रश लेके मैं ये वाला कलर यूज़ करूँगी ट्रांजिशन के लिए, जो कि आपका ब्लेंडिंग के लिए लाइट ही कलर यूज़ होता है ये वाला। पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, मैं तो आँख बंद करके कहूँगी ले लो। मैं बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं ले रही हूँ और सेम ब्रश लेके मैं अपने लोअर लैश पे लगाऊंगी। सो गाइज, मैं ये वाला लिड एरिया पे अप्लाई करूँगी कलर। पिगमेंटेशन परफेक्ट है, परफेक्ट। ये वाला कलर लेके लिड एरिया पे मैं अप्लाई करूँगी, जो शिमरी है। ये ग्लिटर कलर्स, इसमें दो ग्लिटर दिए, नहीं तीन ग्लिटर दिए हुए हैं, एक दो और ये तीन, और शिमरी है एक दो तीन और ये चार। ये शिमर में है और मैट आपके सारे हैं। एक कंसीलर है, कंसीलर इसलिए होता है जैसे कि हम कोई भी अप्लाई कर रहे हैं ना आई शेडो, तो वो एग्जैक्ट वही आए जो है। सो मैं अप्लाई कर रही हूँ। अमेजिंग है यार। इनर कॉर्नर पे ये वाला कलर यूज़ कर रही हूँ मैं, ये वाला गोल्डन। इनर कॉर्नर पे गोल्डन कलर यूज़ कर रही हूँ, ये वाला, और ये हाईलाइट करूंगी। फोकल लेयर का ही मैं लाइनर लगा रही हूँ, स्केच लाइनर है ये। हाफ लाइनर, काजल अप्लाई कर रही हूँ मैं। काजल को अच्छे से स्मच कर लूंगी मैं। ये कलर बार का ब्रश है। जो भी आपके आई शेडो नीचे गिरा है वो आप ये इसको इस ब्रश से क्लियर कर सकते हो। अब मैं मस्कारा लगाऊंगी, ये भी फोकल लेयर का ही है। ये भी बहुत अच्छा है। वॉल्यूम आपकी आई लैशेस को ना वॉल्यूम बहुत अच्छी दे देंगे यार ये। गाइज, ये मैंने आई लैशेस लगा ली है और अब मैं लगाने जा रही हूँ लिपस्टिक, जो कि मैंने मंगाई थी इसी से ही, फोकल लेयर की यही है। सो गाइज, ये ना लिपस्टिक इतनी मस्त है ना, ये एक ही स्टॉक में लगाने से ड्राई हो जाती है, जल्दी जल्दी से लगा लो। और एक तो लाइट है, मतलब लग नहीं रहा है, सच में लग नहीं रहा है कि मैंने लगाई हुई है। और जो मैंने आपको कैप्सूल का रिव्यू दिया था ना, वो
वो तो लग ही नहीं रहा है कि मैंने लगाई है, इतना अच्छा कैप्सूल का सेट है वो। मतलब मैंने लगाई, मुझे मैंने सच में मैंने सोचा अरे ये मैंने लगाई हुई है, मैंने देखा बिल्कुल ड्राई, ये देखो बहुत अच्छे से, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ड्राई हो चुकी है ये, मुझे बहुत अच्छी लगी। लिपस्टिक तो मैं और मंगाने वाली हूँ। एक्चुअली में ये मैं 200 कुछ की पड़ी है, क्योंकि 900 की है यहाँ पे यार, मतलब 250 इसका रेट। सो गाइस, ये मैंने इस पैलेट से ही आई मेकअप किया है। कुछ चीज़ें मैंने नहीं मंगाई थी, जैसे कि फाउंडेशन, तो फाउंडेशन मैंने नहीं अप्लाई किया है, वो मैंने हुडा ब्यूटी का यूज़ करा है। और आपको लेंस और इसकी पैलेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और चाहे आप मस्कारा हो, ब्रशेज हो, उसका लिंक सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइज, अगर ये मेरा मेकअप आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय गाइज।